नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना और संजना की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। बारिश शुरू हो गई है और बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो आइए बनाते हैं आलू प्याज के पकौड़े। इसके लिए हम लेंगे प्याज मीडियम साइज, 4 से 5 उसे बारीक काट लेंगे। आलू 4 से 5 उसे भी बारीक काट लेंगे। एक बाउल में आलू और प्याज मिक्स कर लेंगे। इसमें मिलाएंगे हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और लहसुन का पेस्ट। ये चावल का पेस्ट है, चावल को हमने सोक कर लिया था और इसे पीस लिया है, इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। साथ में हम इसमें मिलाएंगे चने का बेसन 2 चम्मच, अजवाइन, अंग्रेल और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे क्योंकि इसमें पानी अपने आप छोड़ेगा। ये देखिए पकौड़े बनाने के लिए मिश्रण रेडी है। अब पकौड़े तलने के लिए पैन में तेल गर्म करेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें पकौड़े तलने के लिए डालेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब इसमें छोटे छोटे पकौड़े रखेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से सेट हो जाए तभी दूसरी तरफ पलटेंगे। ये देखिए आलू प्याज के पकौड़े रेडी हैं। इसे अब्जर्वेंट पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जर्व हो जाए। बाकी बचे पकौड़े को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलू प्याज के पकौड़े का मजा लीजिए इस बरसात में। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।